वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता नानी की कृपा से सबसे होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस देख सकते थे हमारा भाई रेडी हो चुका है, तो निकल रहा था मैं घर से, तो जा रहा हूँ अभी मार्केट की ओर। तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि सरपंच से नाइट कैंपिंग करने की। तो देखते हैं गाइस, अभी पहले जाके लोकेशन देखते हैं, लोकेशन चेकआउट करते हैं, फिर नहीं तो कल या परसों से हो सके तो नाइट कैंपिंग चालू हो सकती है। और कल है नीरू भाई का बर्थडे, तो कल हम इस चक्कर से कल तो नाइट कैंपिंग नहीं मारेंगे, लेकिन परसों हो सके तो परसों या नरसों दो तीन दिन के बाद से कि हम लोग नाइट कैंपिंग चालू करने वाले हैं गाइस। तो आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा कि विंटर टाइम में और वो भी फॉरेस्ट एरिया में नाइट कैंपिंग चालू करने वाले हैं। तो जस्ट अभी मैं वहीं जा रहा था गाइस, तो पहले हम लोकेशन चेकआउट कर रहे हैं एक बार, तो हम पहले लोकेशन चेकआउट करके आते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। पहले चलो जहाँ लोकेशन चेकआउट करने जा रहा हूँ तो आप लोगों को भी ले चलता हूँ पहले भी। तो गाइस चलते हैं, तो डायरेक्ट मिलता हूँ आप लोगों से मार्केट में। तो गाइस घर से तो निकल चुका था जस्ट, मैं आ चुका हूँ आपको बरदानी के पास। तो देख सकते हैं आप लोग यार, तो चेकआउट भी होगा गाइस, तो दिन के टाइम तो काफ़ी अलग, और जो भिदौड़ के नज़ारे ना गाइस, तो टाइम टाइम बदलते रहते हैं यार। और गाइस जस्ट मैं जा रहा हूँ चंडाक की तरफ, तो जो टेम्परिंग का एरिया डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, तो चंडाक की तरफ ही है गाइस। तो अभी मैं सोई सिंगल ही हूँ, तो अभी मैं सोलो हूँ गाइस। तो चलते हैं आगे की तरफ, तो मिलता हूँ आप लोग से मोटो ब्लॉग में डायरेक्ट। तो गाइस चेकआउट देख सकते हैं गाइस, तो मोटो ब्लॉग में डायरेक्ट। और इंडियन फ्लैग गाइस, तो कल तो हवा नहीं चल रही थी, तो उससे मैं लहर भी ज़्यादा। तो गाइस आज तो देखो चेकआउट भी हुआ यार, लेकिन तो गाइस तो चल रहा हूँ मैं आपका भी मोटर की तरफ, चंडाक की तरफ। जो नाइट कैंपिंग करने वाला हूँ तो आपको दिखाता हूँ मैं नाइट कैंपिंग कहाँ करूँगा मैं। तो चलते हैं गाइस, देखो लोकेशन यहाँ से भी दिखती है कुछ झलक, मैं आपको अभी यहाँ से दिखाता हूँ। तो मेरे हिसाब से या तो वो टॉप है गाइस, या तो ये दोनों में से एक है, तो मेरे को भी कंफर्म नहीं है आपको बताऊँ तो। लेकिन जो मॉर्निंग का भी आएगा ना गाइस, यहाँ से जब नाइट कैंपिंग करेंगे और जब सुबह उठेंगे, तो उसके बाद का व्यू गाइस काफ़ी तगड़ा होगा आपको बताऊँ तो मैं। तो गाइस चलते हैं ऊपर की तरफ, तो मिलता हूँ रैंडम ऊपर चंडाक की तरफ। तो गाइस कैफे ऑन द रॉक देखना, तो काफ़ी दिनों बाद आ मेरे ब्लॉग में यार। तो वरदानी की तरफ तो मार रहे बट्टे, लेकिन चंडाक की तरफ यार मेरा बहाना बहुत कम हो रहा था। तो बीच में आप लोग को बताया गाइस, मेरा भाई का एक्सटेंडेड हुआ था, तो उस चक्कर से क्या बताऊँ आपको बताइए गाइस। तो अब थोड़े दिनों में सोच रही थोड़े दिन बाद ऐसे ब्लॉग की आप नाइट कैंपिंग हम भी करते हैं गाइस, तो कैंपिंग चालू ना रही हमारी। तो कल तो है नीरू भाई का बर्थडे, तो उस चक्कर से कल तो हम कैंपिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हमारा प्लान कल का और था गाइस चलने का। तो हमारा प्लान हो रहा है दो चार दिन में कैंपिंग करने का गाइस। तो मैं एक बार लोकेशन चेकआउट करने आया हूँ, और जस्ट टाइम वहाँ पर आए चंडाक में। तो देख सकते हैं गाइस, चंडाक भी ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी सिटी आपको पता है, लेकिन टूरिस्ट के मामले में टूरिज्म के मामले में क्या बताऊँ। अभी तो कुछ ले लेते हैं खाने के लिए गाइस, तो उसके बाद चलता हूँ आगे। तो गाइस आप लोग चंडाक से तो एक रोड उधर की तरफ लेफ्ट, जो राइट की तरफ कट रही थी उसके बारे में देख ही लिया होगा। तो वो अभी आपका मोस्ट मानू की तरफ, और ये जा रही है गाइस आपका नागपुर बांस चमारी की तरफ। तो दस्ट नीचे से फिर लेफ्ट के लिए रोड कटेगी, तो जहाँ के लिए हमने जाना है, और दूसरी रोड तो गाइस वहाँ चलेगी आपको बताते हैं जंगलों के बीच से। तो वो जाती है आपका मोस्ट मानू टेम्पल के पास, तो मोस्ट मानू टेम्पल से भी काफ़ी आगे तक जाती है। और गाइस देखो जर्मन देखो गाइस, देखो देखो फुल झंडा लेके जा रहा है गाइस। और आपको बता दो ये रोड आती है आपका नागपुर, नागपुर से बांस की तरफ भी जा सकते हैं, और उसके बाद आपका चमारी की तरफ भी ट्रैवल कर सकते हैं गाइस। तो देख सकते हैं, और जो व्यू है ना गाइस, तो व्यू देखो फिर यहाँ का। तभी हमने सोचा कि जो हम जो कैंपिंग करें विंटर के टाइम में, तो इसी एरिया में करें करके। जो सबसे पहले हम जो मैं अपनी सबसे जब जो अपनी मैं सबसे फर्स्ट कैंपिंग जो चालू कर रहा हूँ, तो गाइस तो मैं चंडाक का एरिया जो हमारे तब का सबसे डेंजरस एरिया है आपको बताऊँ तो। लेपर्ड भी आते हैं गाइस यहाँ पे, रात के टाइम पर तो कई लेपर्ड रहते हैं, तो वो चीज़ हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो लेकिन यार फर्स्ट नाइट कैंपिंग रहेगी तो कुछ टाइम बाद, तो आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है हमारे ब्लॉग में। उसके बाद मैं बताऊँ तो काफ़ी एडवेंचर सर, कभी अलग टाइप के ब्लॉग मिलेंगे गाइस। तो गाइस चलते हैं, तो मिलते हैं आप लोग से आगे जब यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं एक रोड जा रही है नीचे की तरफ, और एक रोड जा रही है ऊपर, तो हमने जाना है ऊपर वाली रोड पे लेफ्ट की तरफ। तो ये रोड जा रही है आपकी चमाली की तरफ गाइस, और जो नीचे वाली रोड जा रही है वो जा रही है बांस, बांस से लेकर आपका नागपुर कई गाँव अटैच होते हैं गाइस, मैं आपको बता दो। और ये गाइस ये देखो ब्लैक आइस पूरी। तो गाइस सबसे ज़्यादा खतरा रहता है इसमें, मैं बताऊँ तो मॉर्निंग के टाइम में, जब अर्ली मॉर्निंग आएंगे ना गाइस, तो बहुत टफ होता है इसे चलना, मैं देने बताऊँ क्या आज। और अभी भी देखो ना गाइस ब्लैक आइस पूरा यार, अभी तगड़ी रोड हो रही गाइस। लेकिन मैंने तो चलना है गाइस ऊपर की तरफ, ऊपर देखना है लोकेशन, एक बार चेकआउट करना है मैंने, तो क्योंकि जो प्लान बना रहा हूँ तो प्लान मेरा ही है गाइस नाइट कैंपिंग का। तो इस चक्कर से आ गाइस, तो मैंने सोचा कि पहले लोकेशन चेकआउट कर लें, कोई दिक्कत न, बाद में हमारी कोई दिक्कत ना हो करके। तो उस एरिया के पहले पहले जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, जहाँ नाइट कैंपिंग कर रहे हो तो मैं बता दूँ रियल में, तो उसके उस एरिया को जानना बहुत पहले बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चलते हैं ऊपर की तरफ, और लोकेशन देखो ना गाइस, चेकआउट व्यू तो क्या बताऊँ आप लोगों को यार ना गाइस, बाहर में व्यू की कोई कमी नहीं है। तो
गाइस चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर आपको भी दिखाता हूँ लोकेशन, बस थोड़े दूर पे है कुछ। गाइस ये खड़ी अपनी डेविल, तो डेविल में स्टे पार्क कर दिया, तो स्टे पहुँच चुका हूँ लोकेशन में। तो लोकेशन गाइस ये है, तो यहाँ से आता है ऊपर को रास्ता, और मेरे हिसाब से गाइस तो वो टॉप है ऊपर का। और ये गाइस ये है रोड चमाली वाली, तो देख सकते हैं। लेकिन तो यहाँ से व्यू है ना गाइस, तो व्यू देखो सामने वाले का गाइस, तो क्या दिख रहा है तगड़ा यार, देखो ये गाइस तो पूरा व्यू गाइस ये बताऊँ तो यार। और जब मॉर्निंग के टाइम में आता है ना गाइस, तो ये व्यू और तगड़ा आता है। तो मैंने सोचा कि नाइट कैंपिंग करी जाए, तो गाइस यहीं करी जाए, तो देख सकते हैं यार गाइस, तो इस व्यू के चक्कर से। और जो ऊपर आगे भी गाइस, तो वहाँ से सिटी का जो व्यू आता है ना गाइस, तो काफ़ी तगड़ा आता है। तो आप लोगों को बता दूँगा गाइस, तो चले ऊपर की ओर, तो दिखा दें आप लोगों से ऊपर जो फॉरेस्ट एरिया, जो जहाँ कैंपिंग करने वाले हम लोग। तो गाइस जिस लोकेशन की बात मैं कर रहा था, लोकेशन में जस्ट पहुंचने वाले हैं। तो नाइट कैंपिंग जो हमारा था, तो ऊपर की तरफ है। और आपको बता दूं, ये एरिया पूरा है गाइस फॉरेस्ट एरिया, जंगल का एरिया है। और इसके बाद मैं बता दूं आपको, यहाँ लेपर्ड, तो गाइस तो कौन दिल में लेपर्ड जा रही है, वो तो रात को तो छोड़ो। और देख सकते हैं गाइस, तो अभी तो मैं अकेला हूँ, सिंगल हूँ। तो यार गाइस ज़्यादातर मेरे को, मैं बताऊँ तो मेरे को सोलो ब्लॉगिंग में मज़ा आता है, और सिंगल ब्लॉगिंग और सोलो कैंपिंग इस टाइप से मज़ा आता है। लेकिन कैंपिंग तो गाइस सोलो करना तो बहुत टाइम बता दूँ रियल में यार, गाइस रात को फटके चार हो जाएगी। तो शायद मैं कैंपिंग में, तो मेरे हिसाब से मैं बताऊँ तो आप लोग को अम्मू भाई भी आ सकते हैं मेरे साथ, तो जो भी आएंगे बंदे तो आप लोग को मिल ही जाएंगे गाइस। तो चलते ऊपर की तरफ, लोकेशन एक बार चेकआउट करते हैं, तो लोकेशन आप लोग को भी दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस लोकेशन देखो, तो ये तो यही बात है गाइस, प्रकृति के नज़ारे ना पहाड़ में, तो गाइस अलग अलग डिफरेंट, अलग अलग पूरे कह रहा हूँ। और जस्ट मैं रोड से बताऊँ तो करीबन 10 या 15-20 मिनट के चलना है। तो उसके बाद जो लोकेशन, तो गाइस वो ऊपर है, ऊपर लोकेशन। तो आजकल तो वैसे गाँव घर में आग लगाई जाती है, तो यहाँ ही पूरी आग लगा रखी, देखो गाइस। और आज कई दिनों बाद गाइस, तो यहाँ भी लोग बाग आते हैं, जैसे आपको लग रहा होगा, देखो लम्बी छिलके हिलके, तो बंदे यहाँ पार्टी वार्टी बनाने आते हैं गाइस। तो यहाँ यार, लेकिन पहाड़ में आ दो गाइस, ऐसा मत करो यार, लेकिन ये चीज़ गलत है। तुम आग जलाओ सब कुछ करो, लेकिन ये चीज़ गलत होती है गाइस। तो गाइस लोकेशन चेकआउट, और मेरे हिसाब से टॉप ऊपर है गाइस, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस लोकेशन चेकआउट, तो जस्ट पहुँच चुका हूँ मैं। और लोकेशन बताऊँ तो कैंपिंग के लाइक की बेस्ट है गाइस, आप लोग बताऊँ तो। और रास्ता दिखाऊँ गाइस कहाँ से आया अभी, वो देखो रास्ता, वो तल्ली वाले आ रही हूँ से, देखो। तो सोचो गाइस ब्लॉग के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम लोग यार, तो गाइस देख सकते हैं यार, तो एक ब्लॉग के लिए इतनी मेहनत। और सीढ़ी है हमारी गाइस, तो नहीं तो वो नीचे दिख रही गाइस पेड़ों के बीच से, लोकेशन आया गाइस दूर से दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले आग लगाई हुई है, क्योंकि नई घास हुई करके पहाड़ों में। तो लेकिन यार लोकेशन जो है ना गाइस, तो मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ तो लेकिन थोड़ी बहुत पानी की दिक्कत हो सकती है हमें यहाँ, तो हमने पानी यहाँ लेके आना पड़ेगा पहले से। तो ये चीज़ थी यार गाइस की, मैंने सोचा कि पहले लोकेशन चेकआउट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं तो कैसी है लोकेशन करके। लोकेशन तो मैं बताऊँ तो मैं अल्टीमेट है गाइस, आपको बता दूँ कैंपिंग के लिए बेस्ट है। और ये रहेगा गाइस अपनी सिटी, तो अब बताओ गाइस कोई कमी है तो व्यू की यहाँ से बताओ। ये देखो गाइस, और जो मॉर्निंग का व्यू आएगा ना गाइस, तो वो तो काफ़ी तगड़ा, मैं बताऊँ तो यार। तो भाई लोग कुछ टाइम बाद भाई लोग कैंपिंग चालू करने वाले हैं, तो देख सकते हैं आज लोकेशन तो चेकआउट हो चुका है यहाँ पूरा, देख सकते हैं यार गाइस। तो चलता हूँ थोड़ी देर में नीचे को, क्योंकि भाई जंगल एरिया और अकेला हूँ भाई, क्योंकि जंगल का एरिया है और अकेला हूँ गाइस, आप लोगों को पता ही है। तो यार अकेले की हालत थोड़ी स्टेप से होती है, लेकिन तब भी दिन है, दिन में तो कोई डर नहीं है, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है, कि हम तो डर ब्लॉगर गाइस, तो डर भी हमें बताऊँ तो यार क्या कहें आपको, पता ही आप लोग को। तो लोकेशन देख लिया गाइस आप लोगों ने, लोकेशन तो बताऊँ तो काफ़ी तगड़ी लोकेशन है यार। और जो यहाँ से सिटी दिख रही है ना गाइस अपनी भिधौड़, वो तो और तगड़ी, और साथ में हिमालय का व्यू। अभी यहाँ से तो जंगल लग रहे, तब मॉर्निंग टाइम में जब नीचे उतरेंगे ना गाइस, तो वो व्यू सामने आएगा हमारे। तो गाइस देख सकते हैं यार, तो भाई यहाँ पे आ गया था। तो चलता हूँ थोड़ी देर में घर की ओर, तो थोड़ी बहुत रील्स वॉर्ड बनाता हूँ, तो उसके निकलता हूँ घर की ओर, तो मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट अब नीचे डेविल के पास। और गाइस देखो मेन रोड पर पहुँच गया था गाइस, तो सामने का व्यू चेकआउट करो गाइस देखो। तो हिमालय की एक श्रृंखला है, तो गाइस तो देख श्रृंखला है, तो पूरी दिख रही हुई है यार, देख सकते हैं यार। तो हिमालय की एक श्रृंखला गाइस, और डेविल खड़ी है मेरी गाइस यहाँ, तो डेविल को यहाँ लगाया था गाइस पार्क में। तो जस्ट मेन रोड आया गाइस, तो मेन रोड पर पाला देखो ना गाइस, लेकिन ब्लैक आइस काफ़ी तगड़ी है आपको बताऊँ तो यार। और जस्ट अभी मैं आपका टॉप से आ चुका हूँ ऊपर, और जो टॉप दिख रहा है गाइस आपको, तो टॉप से आ चुका हूँ। नाइट कैंपिंग का पूरा प्लान बन चुका है हमारा। तो जस्ट अभी मैंने अम्मू भाई को भी कॉल कर दिया है,
तो बता दिया मैंने सबको गाइस लोकेशन, तो कर लिया बस में 2-4 दिन में हो सकी तो हमारी गाइस बहुत अच्छी सी नाइट कैंपिंग फॉरेस्ट एरिया में। और गाइस डेविल की हालत देखो, डेविल आज की थोड़ी चमक रही है गाइस, सबसे गाँव से आई है ना थोड़ी चमक रही है डेविल, क्योंकि डेविल में उसके बाद काम भी कराया था मैंने, और डेविल थोड़ा आजकल गाइस देख ही सकते हैं यार, तो डेविल की लोग यार। तो गाइस देखो जस्ट पहुंच चुका ना बरदायली, तो यहाँ का व्यू तिरंगा क्या लहरा रहा है गाइस, तो देख सकते हैं गाइस तुम भी चल लेते घर की ओर। तो मैंने सोचा कि भाई लोगों को व्यू दिखा दो करके यार, तो इंडियन फ्लैग तो आप लोगों ने जो बरदायली का व्यू पॉइंट है ना फ्लैग पॉइंट है वो आपने कल से भी देखा होगा मेरे ब्लॉग में गाइस। और आजकल देखो मौसम क्या बता रहा है, बादल ऐसे नहीं आना गाइस, और यानी कि ठंडक पड़ चुकी है बादलों की इससे यार। तो गाइस चलो फिर अब हमें नीरू भाई की गाड़ी का थोड़ा काम, तो कम्बू भाई की गाड़ी आई थी हमारे पास, एक अपाची आई है, तो जैसे उसका थोड़ा बहुत वर्क है गाइस, तो वर्क मेरा भी कराना है, तो कम्बू नीरू भाई तो शॉप पे है तो उसको टाइम नहीं पाता है, तो भाई मैंने जाके वो काम भी कराना है गाइस आपको बता दूँ। तो भाई चलते हैं तो काम कराता हूँ, तो उसके बाद मिलता हूँ आप लोग को। भाई जी अभी सिलता हूँ पहुँचते, तो गाय गाड़ी ढूंढ दी है पुलिस वाले की, वो भी किसी ने गाय से कल्टो वाले ने, देखो तो गाइस ये देखो नीरू भाई की गाड़ी, तो नीरू भाई की गाड़ी तो नहीं है कम्बू दाई की गाड़ी है, लेकिन कम्बू दाई की गाड़ी कल परसों आई थी, तो मेरी गाड़ी तो ऊपर नीरू की दुकान के बाहर खड़ी है गाइस, तो नीरू को टाइम नहीं था इसको वॉश कराना है, थोड़ा इसमें काम है, तो यार पास ये काम कराते हैं गाइस, तो उसको शाम को दिखा देते फिर राइड आप लोग को इसके बाद। तो गाइस ये है शॉप दाई की, तो मैं बताऊँ तो काफ़ी सही वर्क होता है यहाँ भी, और आपको बता दूँ यहाँ तो फॉर्म वॉश से लेकर सब कुछ मिल जाएगा गाइस आपको। और आज देखो कम्बू दाई की गाड़ी चमक रही है गाइस, तो कम्बू दाई सड़न देने कभी नहीं चमकाई होगी ऐसी गाड़ी, लेकिन आज चमक रही है कम्बू दाई की गाड़ी देखो गाइस। जस्ट ये गाड़ी थी नीरू भाई के पास, तो काफ़ी दिन हो गए थे इसको यही, तो कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, प्रॉब्लम होने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दी हमने गाइस, तो चलता हूँ आप ऊपर की ओर, तो ऊपर मेरा थोड़ा काम है, तो काम हम करा दें इसका, तो उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों को। तो गाइस मैं आया था करण भाई शॉप में अभी, तो थोड़ा काम था तो आप लोग को बताइए गाइस, तो अभी मेरे पास नीरू भाई की गाड़ी है अपाची, तो देख सकते हैं कुछ टाइम पहले करण भाई ने भी इसका काम किया था। और एक चीज बताऊँ गाइस, तो करण भाई ने भी एक यूट्यूब चैनल खोल दिया अपना, तो जस्ट अभी मैंने खोला है वो चैनल करण भाई का, तो करण भाई भी इससे पहले चैनल चला रहे थे, काफ़ी पुराना चैनल चला रहे थे, तो उसको खोलने में कितना टाइम लगता गाइस तो आप लोगों को पता है, 4-5 साल पहले करीब 5 या 6 साल पुराना चैनल था वो, तो अभी जस्ट अभी करण भाई ने कुछ नया चैनल खोला है गाइस, तो करण भाई के चैनल का नाम है D13 करण करके गाइस, तो प्लीज जाके जितना हो सके चेकआउट करना करण भाई के चैनल को, सब्सक्राइब करना, और लिंक तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो लिंक आप लोग चेकआउट कर लेना गाइस प्लीज, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। गाइस हो चुकी है शाम, तो निकलने से हमें टहलने के लिए, और जैसे कुछ टाइम पहले गाइस तो काम भी था, तो नीरू भाई का गाड़ी का काम कराया मैंने, तो नीरू भाई का तो टाइम था नहीं गाइस, और लेकिन कम्बू दाई की अपाची कौन तो गाइस चमका दी है पूरी अपाची, तो अब मैं जा रहा हूँ गाइस तो नीचे पीड़ित दाई के वहाँ, तो पीड़ित दाई की चाय होती है ना गाइस, तो चाय की भी याद आ रही पीड़ित दाई की यार आज, तो गाइस चल रहा हूँ पीड़ित दाई के पास तो चाय पीने के लिए, चाय तो काफ़ी तगड़ी बनाता हूँ यार बताऊँ तो पीड़ित दाई ना, पीड़ित दाई बताऊँ तो बहुत तगड़ी चाय बनाता है भाई, लेकिन चाय का रेट बता दूँ आपको, चाय का रेट है क्या 15 रुपये हमारे लिए, स्पेशल टी है जो नॉर्मल टी है वो तो 10 रुपये की है, लेकिन जो स्पेशल टी है तो गाइस 15 रुपये हमसे पास, और लेकिन मैं बताऊँ तो काफ़ी तगड़ी टी बनाते हैं यार, और शाम के टाइम का माहौल देखो गाइस कुछ टाइप से, आज दिन भर तो बादल ही बादल नहीं ज़्यादा आपको बताऊँ तो यार, ज़्यादातर तो बादल ही बादल नहीं दिन भर आज, और अभी शाम के टाइम में बादल ही लगे अपने बहुत, तो बादल कुछ थोड़ा ठंडा पड़ा है, थोड़ी ठंडी जाएगी बर्फ क्या है। देखो गाइस तो पीड़ित हमारे ये रहे गाइस, कभी आओ और पीड़ित की चाय पी के जाओ ना गाइस, तो मज़ा ना आया तो फिर गया ना उसके बाद यार, तो हम बड़ी दुकानों में तो इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन जो छोटी दुकान है तो उससे ज़्यादा अहमियत देते हैं, और पीड़ित हमारे गाइस आपको बताऊँ तो यार मैं 10 सालों से इनकी शॉप में आता हूँ, मैं रियल बता दूँ कभी आना आप लोग खुद चाय ट्राई करना उसके बाद कहना गाइस, तो मैं भी चाय पीता हूँ तो उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो गाइस काफ़ी दिनों बाद आज मेरे ब्लॉग में देखो फर्स्ट आवर, तो काफ़ी अल्टीमेट आया बता दूँ, जब बनाना बनने के बाद जब कम्प्लीट बना गाइस, तो कम्प्लीट होने के बाद तो देखो गाइस, तो आज काफ़ी दिनों बाद आया मेरी वॉस्ट आवर की तरफ यार, तो देख सकते हैं तो जो लग रहा है ना सीन का ऐसा सीन तो काफ़ी तगड़ा है बताऊँ तो यार वॉस्ट आवर का, और शाम के टाइम काफ़ी ट्रैफिक, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकलूँ, चलो एक राइड मारते हैं वैसे नीचे टकाना के नीचे जो एचयूवी है एचयूवी की तरफ से गाइस, तो जस्ट एकदम किराए के पास निकलते हैं। तो गाइस शाम की राइड मज़ा कुछ और है आपको बताऊं तो यार, तो
वैसे मैं बीच में आपको पता है एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद से राइड राइट थोड़ी कम मार रहा था, तो अब मेरे प्लान भी कुछ चेंजेज अब हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मोडो ब्लॉग से कम थोड़ा बहुत, मोडो ब्लॉग तो आएगा आएगा, लेकिन साथ में नाइट कैंपिंग वैम्पिंग कैंपिंग करेंगे गाइस। तो कैंपिंग बड़ी प्यारी कैंपिंग आपको देखने को मिलेगी हमारे ब्लॉग में अब, तो जिसमें मैं अपने भाई लोगों के साथ एक ग्रुप बनाने वाला हूँ गाइस, तो जिसमें आप लोगों के साथ मैं कैंपिंग वैम्पिंग करूँगा। देखिए यार शाम की रेडियो मज़ा कुछ और है यार, आपको बताएंगे माता जी का दिखा एक चर्च पूरा सच चुका है क्रिसमस के लिए। तो 25 को आएगा क्रिसमस, तो ब्लॉग वाले में काफ़ी धूमधाम से बनाया जाता है जिसमें बताऊँ तो आपको। और ये रहे हमारे गाइस अरविंदा, तो काफ़ी बेस्ट वीडियो करते बताऊँ तो यार ब्लॉग में तो। और गाइस चलते हम नीचे की तरफ अब, लेकिन चर्च देखो गाइस काफ़ी तगड़ा लग रहा है बताऊँ तो, तैयार हो चुका है अब।